हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराएंगे, जीओसी वगैरह। मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ आप लोगों के लिए कि ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है, तो ऑर्गेनिक में शुरू करूँगा, वीडियो बना करके डालूँगा सारे के पूरा जीओसी वगैरह का। आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और कोई भी आपको लगता है कि कुछ नए वीडियो डालने हैं तो मुझे आप बताइएगा, है ना। और उसमें बीच बीच में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप नीट या आईआईटी जेई के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करें केमिस्ट्री में, ठीक है। देखिए, इसमें जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम फोर पार्ट्स में पढ़ेंगे। देखिए, पहला होगा इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, सेकंड वाला पार्ट हमें पढ़ना है इसमें आइसोमेरिज्म, थर्ड वाला पार्ट पढ़ना है हमें इसमें आईयूपीएसी, फोर्थ वाले पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने इसको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिए, अगर हम जीओसी में जाएंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए, सबसे पहले ये स्केलेटन आपको समझना होगा कि किस तरीके से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग करते हैं। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्लियर है, देन आफ्टर आप कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म या प्रोडक्ट बना सकते हो बड़े इजीली तरीके से, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो हमने इस जीओसी को पूरी को फोर में डिवाइड्स कर रखा है, और इसी तरीके से हम ऑर्डरली पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। इनको कराने के बाद मैं आपको इस पे क्वेश्चंस डालूंगा नीट के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको करना है। आज हम इस पार्ट को करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, नया पॉइंट सीख रहे हैं, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसको करेंगे, इसको करने से पहले एक टर्म और यूज़ कर लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आज हम लोग करेंगे, देन आफ्टर कल से इनको करेंगे। ये भी अगर देखेंगे तो जीओसी का ही पार्ट्स है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, देखिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में अगर थोड़ा सा कंपेयर करेंगे दोनों में, एनी नेगेटिव चार्ज स्पसीज इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। देखिए, अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों में, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। अच्छा, एक चीज और जानते हो आप लोग, क्या जानते हो, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो जिसमें एच प्लस आइंस ज्यादा होता है उसमें कॉन्जुगेट एसिड है, और जिसमें कम है उसमें कॉन्जुगेट बेस है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो एच प्लस आइंस जिसमें कम हो जा रहा है उसको कॉन्जुगेट बेस। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई चीज आई हुई है, तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा, इस वाले का ये कॉन्जुगेट एसिड माना जाएगा, क्योंकि इसमें एच प्लस आइंस ज्यादा है। तो हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। देन हम इस
डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि कोई भी जो नेगेटिव चार्ज स्पसीज है उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर बेसिसिटी के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इस तरीके से। दूसरा वाला इसमें पॉइंट क्या होता है, अलोंग द पीरियड्स न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिसिटी मूव्स पैरेलल। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, दोनों एक पैरेलल मूव करते हैं, मूव्स पैरेलल। जैसे फॉर एग्जांपल सी एस थ्री एन एच टू ओ एच एंड एफ, अगर इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाए वो भी इसकी वैल्यू लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी एज वेल एज इसकी बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये पीरियड के केस हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी मूव्स एंटी पैरेलल। अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में देखिए एक हमारे पास केस होता है इस तरीके से, H2O ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें देखा जाए कि एसिडिक करेक्टर, तो डाउन द ग्रुप चलने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। अगर हम इसमें इस तरीके से देखें कॉन्जुगेट बेस के केस में देखें तो इसमें क्या होगा कि जब नीचे चलने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ता है तो यहां पे नीचे चलने पर बेसिक करेक्टर घटेगा, यानी कि बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा कहां पे होगा, यहां पे। तो आप कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट बेसिक। लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एसिड के साथ इंक्रीज होती है, यानी कि कौन सा एसिड है हमारे पास, ये वाला। तो इसकी मोस्ट न्यूक्लियोफाइल देन हम क्या कह सकते हैं इसके बेसिस पे कि डाउन द ग्रुप चलने पर बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों कैसी मूव करती हैं, एंटी पैरेलल। तो डाउन द ग्रुप चलने पर बेसिसिटी तो कम होती जाएगी जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। इसके अलावा में फोर्थ वाला है, हमने पीरियड की बात कर ली, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप चलने पर बेसिसिटी डिक्रीज करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। फोर्थ वाला पॉइंट है इसमें, इफ डोनर साइट्स आर सेम, इफ सेम डोनर साइट्स देन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी मूव्स पैरेलल। अगर हम सेम डोनर साइट की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों पैरेलल मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस
अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो डोनर साइट है वो ऑक्सीजन है, इन सब में डोनर साइट ऑक्सीजन है। अच्छा आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसकी है? इसकी, इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी यहाँ पर +1 है। जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होता है, और जिसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है। तो विच वन इज़ द मोस्ट बेसिक? दिस वन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डोनर साइट सेम होने की वजह से ये बेसिक भी ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल भी ज्यादा है, दोनों सेम है। अगर हम फिफ्थ वाले पॉइंट पे चलेंगे तो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे सपोज करिए एक बल्कियर है एक लाइटर है, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियो फिलिसिटी आर मोर अफेक्टेड बाई स्टेरिक फैक्टर्स देन बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी आर मोर अफेक्टेड अफेक्टेड बाई स्टेरिक फैक्टर्स देन बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इन दोनों की जो डोनर साइट हैं वो दोनों सेम है, बट डिफरेंस किस चीज़ को लेकर के है? ये बल्कियर ग्रुप है, ये लाइटर है। तो जो बल्कियर है वो मोर बेसिक है, दिस इज द मोर बेसिक। डोनर साइट सेम है लेकिन यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, बल्कि ग्रुप है इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द मोर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो हमें ये 5 पॉइंट समझ में आए। अच्छा नेक्स्ट वाला करते हैं। अब देखिए हैलोजेंस में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको कि आपको समझना है, अगर नीट लेवल की बात है तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोई दूसरे एग्जाम दे रहे हैं लाइक इज द ITJM वगैरह का एग्जाम है आपका, तो उसके लिए अलग समझना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि हैलोजेंस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस बात को लेकर के है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए एक होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स उसको बोलते हैं जिसमें कि प्रोटॉन होता है लाइक दिस मिथेनॉल वगैरह। एक होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखो जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं तो आपको ध्यान रखना है उनके साथ ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये होता है, इसको आपको लर्न करना है। जबकि पोलर एप्रोटिक के साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये होता है। ठीक है एक क्वेश्चन देता हूं आप सॉल्व करिएगा इसका। इसमें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। चलने तो मैं आ जाऊंगा कंटिन्यू, थोड़ा सा देना पड़ता है, एक एक्टिंग टाइप की करनी पड़ेगी, अब तो चल नहीं रहा ना। देखिए अच्छा आपने किया है इसको, तो सबसे ज्यादा आप किस पे, थोड़ी सी कमांड बन गई होगी अभी आपकी एसिडिक पे, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा बताओ? फिफ्थ वाला। एसिडिक निकाल लेते हैं उसका अपोजिट कर देंगे क्योंकि डोनर साइड सेम है, तो सबसे ज्यादा फिफ्थ हो गया। देन आफ्टर कौन सा है अपने पास? देन आफ्टर है फोर्थ, फोर्थ वाले के बाद थ्री। एक चीज आप लोग जानते हो कि जब एक वाटर होता है एक मिथेनॉल होता है, इन दोनों में विच वन इज द मोरेस्ट एसिडिक? मिथेनॉल। बट अगर इसमें वाटर के कंपैरिजन में कोई दूसरी एल्कोहल आ गई है लाइक इथेनॉल, तो उस केस में वाटर होता है।
तो इनमें कौन सा हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंड देन सेकंड। ये मैंने जो ऑर्डर लिखा है वो एसिडिक है। और क्वेश्चन क्या था, बेसिसिटी का और न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो इसका रिवर्स कर दो। दिस इज द बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन और बताता हूँ। इसमें लिखिएगा डिस्टिंग्विश टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। इसको मत आने देना है ना। यहां पर है न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक है अपने पास बेसिसिटी। देखिए जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम क्या कहते हैं, इट इज द लुईस बेसिसिटी। अब क्वेश्चन है लुईस बेसिसिटी क्या होती थी। लुईस बेस हम किसको बोलते हैं, जिस जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं उनको हम लुईस बेस बोलते हैं। जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी को हम बोलते हैं, इट इज अ ब्रॉन्स्टेंट लॉरी बेसिसिटी। ब्रॉन्स्टेंट लॉरी किसको बोलते हैं कि जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, जिसमें H प्लस आयंस यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेंट लॉरी। यानी कि जो लुईस बेसिसिटी होगी ये एफिनिटी फॉर कार्बोकैटाइन की तरफ होगी, इसकी कार्बोकैटाइन की तरफ, क्योंकि लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसकी जो एफिनिटी होगी वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की तरफ होगी, प्रोटॉन एफिनिटी फॉर प्रोटॉन के लिए होगी। ये जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इरिवर्सिबल, ये जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। देखिए ये स्टेरिक हिंड्रेंस से अफेक्ट करती है, मोर अफेक्टेड बाई स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर्स, जबकि हम इसको क्या बोलते हैं, लेस अफेक्टेड बाई स्टेरिक फैक्टर्स। अब देखिए एक चीज क्या होती है इसमें कि जब मोर अफेक्टेड होगी तो उसमें टेम्परेचर, जब ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, कम स्टेरिक हिंड्रेंस की प्लेस पे कम टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके केस में हम इसको क्या बोलेंगे, जिसमें कम टेम्परेचर अप्लाई होता है, काइनेटिकली कंट्रोल, काइनेटिकली कंट्रोल। जब इसमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम इसमें रेट कांस्टेंट देखते हैं, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू देखी जाती है, या रेट कांस्टेंट को डील किया जाता है इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी में, जबकि इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डील किया जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये वाला अप्लाई करना है आपको, -2.303 RT log K, जबकि इसमें थर्मोडायनेमिकली वाला करना है आपको, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस।
स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक है। कल हम लोग करेंगे फिर दोबारा से। आप लोग एक बार बताइए कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक या फिजिकल में, उसी टॉपिक को हम लोग पहले करेंगे। नहीं तो अदरवाइज़ जीओसी के जो मैंने आपको टॉपिक लिखवाए हैं वो कल करेंगे ही। थैंक यू सो मच।